किन एजेंडों को लेकर आप पब्लिक में जाएंगे? एजेंडा तो जो सब तय है, कानून व्यवस्था, विकास, बिजली पानी सड़क, आम जनमानस के सरोकार से जुड़े हुए विषयों पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा संवेदनशील रहने वाला दल है और काफ़ी हद तक झांसी नगर निगम की यदि हम बात करें तो जनमानस भाजपा को लेकर के संतुष्ट भी है। उसका सुखद परिणाम है कि लगातार मेरा विधानसभा में पहुंचना, लगातार भारतीय जनता पार्टी का मेयर झांसी से बनना, सांसद प्रचंड बहुमत से झांसी जीतना, ये सारी चीज़ें हैं। जनमानस यहाँ पर संतुष्ट है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सिंबल जिसके हाथ में होगा वही विजय होने वाला है। इतने शॉर्ट समय में सिंबल का बंटवारा कैसे होगा? जैसे कि टिकट की बात है, तमाम आवेदन आपके पास आए हैं, ऐसे में क्या रणनीति होगी, किस तरीके से टिकटों का बंटवारा कर पाएंगे शॉर्ट समय में? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक स्क्रीनिंग कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी के पदेन सदस्य होते हैं पदनाम से, तो वो लोग अब बैठेंगे। एकदम से आचार संहिता लागू हो गई, हम लोग वैसे तो तैयार थे चुनाव के लिए, वो दल जिनके पास स्ट्रक्चर नहीं है बूथ तक का, कठिनाई उनके सामने ज़्यादा बड़ी है। हमारे सामने कोई कठिनाई, हमारा तो बूथ तक स्ट्रक्चर है, हम तो अब बूथ पे बात करते हैं लोगों से। तो जिस पार्टी के पास बूथ तक का स्ट्रक्चर हो, जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो, और सही बात तो यह है कि और किसी का भी टिकट टिकट मांगने जा नहीं रहा, तो उनके पास संकट नहीं है। संकट तो इसके पास ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा बड़ा परिवार है, तो वास्तविक संकट हमारे ही सामने है कि उन लोगों में से अच्छे का चयन। चुनाव से एंकर डिप्टी सीएम ने यहाँ पे रैलियाँ, लोगों से बातचीत की, इसके बाद से क्या उत्साह है लोगों में, कार्यकर्ताओं में खासतौर से? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लोगों में सकारात्मक भाव है। चुनाव के समय हम लोग जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से आशा ये था कि आम जनता अपने आप को संतुष्ट महसूस करती है सरकार से। और नगर निगम में अब हमको तो लगता है कि 17 की 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अधिकांश नगर पालिका पंचायतें भाजपा जीतने वाली है, क्योंकि अब तो गांव में बैठा व्यक्ति मोदी योगी को जानने लगा है। अब जो बीच के नेता थे वो बीच से वो कड़ी टूटी है, अब तो लोग सीधे मोदी योगी, मोदी जी का शौचालय, मोदी जी का आवास, मोदी जी की घरौनी, मोदी जी का राशन, मोदी जी के द्वारा विभिन्न संचालित योजनाओं का सीधे लाभ, तो अब तो आम जनमानस मोदी योगी को समझने लगे। क्या लगता है, अन्य दलों को सीटें कुछ जाएंगी कि नहीं जाएंगी? मोदी योगी की बात को लेकर दूसरे दलों के लोग भी आ रहे हैं, उनको क्या टिकट मिल सकता है? नहीं देखिए, चूंकि यदि हम इस विषय पर थोड़ा सा हमारा, हम लोग चूंकि संगठन के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी में ही मेरा जन्म हुआ, तो मुझे लगता है कार्यकर्ता का अधिकार किसी भी तरीके से छीनना नहीं चाहिए। पार्टी बहुत बड़ी हो गई, आने वाले लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन आने जाने वाले लोगों से कार्यकर्ता पर असर नहीं पड़ना चाहिए। और टिकट जब हम इतना बड़ा राजनीतिक दल है और हमारे पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर है संगठनात्मक, तो हमको अपने को ही क्यों न दें? हम बाहर से आने जाने वाले लोगों पर हम विचार क्यों करें? मेरा सदैव मानना रहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार से अपने किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाएंगे, उसे हम जितवाएंगे, पूरी पार्टी लगेगी। नहीं नहीं, चूँकि अरे कल से नामांकन शुरू है, तो अब टिकट की घोषणा, अभी हम कानपुर बैठक से आए, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, तो निर्देश एक तो है मोदी जी के मन की बात, चूँकि 100वां संस्करण है, तो 100वें संस्करण को हर विधानसभा में 100 स्थानों पर कम से कम 100 लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। तो एक तो तैयारी उसकी है, दूसरे अभी निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो टिकट हैं वार्डों के उन पर चर्चा करके उनकी सूचना क्षेत्र को भेज दी जाए, जिससे क्षेत्र उन टिकटों घोषित कर दे, और मेयर के नाम प्रदेश को भेज दिए जाए, जिससे कि प्रदेश में वहाँ पर नाम तय हो पाए। तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो नामों को छांटेगी, छटनी करेगी, और छटनी के बाद में जो प्रमुख नाम होंगे
उन तीन चार नामों को प्रदेश कार्यालय भेज दिया जाएगा और उसके बाद प्रदेश कार्यालय जो उचित समझेगा वो निर्णय लेगा। बहुत जल्दी होने वाला है, जब नामांकन शुरू हो गए तो अब क्या समय लगने वाला है, अब तो हम लोग बहुत तेजी में स्वयं हैं। अल्पसंख्यक समुदाय भी जुड़ा है पार्टी से, अल्पसंख्यक मोर्चा काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है, तो क्या देख सकते हैं वार्ड में या कहीं मुस्लिम? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आज इस बदले हुए राजनीतिक परिवेश में अल्पसंख्यक समुदाय का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है और उस बड़े हुए भरोसे को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी महसूस कर रहा है, तभी इस बार हम लोग प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई अच्छा प्रत्याशी हमको मिलेंगे, हम एक बार दो बार से हाँ की है, उनमें से जो अच्छे कैंडिडेट होंगे उनमें से छांट करके हम वो भी प्रयोग करने वाले हैं, उनमें के बीच से भी हम अभी अपने पार्टी के लिए चुनाव लड़वाने वाले हैं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा।